थ्रीसम करना चाहिए या नहीं, सही है या नहीं है, काफी लोगों की फैंटेसी है। अब मुझे रिसेंटली किसी ने लाइव सेशन में भी पूछा था कि ये सही है या गलत है, आप करते हो या नहीं करते हैं, तो चलिए डिटेल में बात करेंगे। और चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने किया नहीं है लेकिन आप करना चाहते हो और कहीं ना कहीं आपकी फैंटेसी में है, या फिर आपने देखा है और आप डाउटफुल हो कि सही होता है क्या, अरे बहुत गलत होता है, सबके बारे में बात करूंगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और वीडियो प्लीज अंत तक देखें, क्योंकि तब भी आपको समझ में आएगा इंपॉर्टेंस जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं। तो जब हम थ्रीसम की बात करते हैं, ये एक ऐसा सेक्सुअल एक्टिविटी है जो कि आपके प्लेजर्स को एक गुना, दो गुना नहीं, तीन गुना बढ़ाती है, क्योंकि इसके अंदर तीन पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये पार्टनर्स चाहे दो फीमेल एक मेल हो सकता है, और दो मेल और एक फीमेल हो सकती हैं, डिपेंड्स ऑन द सैंडविच, जिसे हम सैंडविच सेक्स भी कहते हैं। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर पार्टनर्स का कंसेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग थ्रीसम करना तो चाह रहे हैं या सैंडविच सेक्स करना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो प्लान नहीं करते, वो ये डिसाइड नहीं करते कि कौन इसमें से डोमिनेंट रहेगा, कौन रिसेसिव रहेगा, कौन दोनों के प्लेजर से रिलेट करेगा, जिसकी वजह से काफी सारी मिसमैचिंग होती है। और थ्रीसम को आप तभी एंजॉय कर सकते हो जब आप तीनों को पता हो कि इस पर्टिकुलर एक्ट में आप तीनों के रोल्स क्या हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये कहीं ना कहीं एक गैंग की तरह हो जाएगा, जिसके अंदर किसी को भी प्लानिंग नहीं पता और कौन कैसे कर रहा है समझ नहीं आ रहा, और आप नेक्स्ट टाइम करना ही नहीं चाहोगे क्योंकि आप खुद सेटिस्फाई ही नहीं होगे। तो अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो तो आपको एक पर्सन ऐसा हो जो एक्ट बहुत ज्यादा नहीं कर रहा है और वो मिडल है, एक पर्सन डोमिनेटिंग होना चाहिए और एक बिल्कुल रिसेसिव होना चाहिए, जिस पे सब एक्टिविटीज प्लान करेंगे। आप चाहो तो उसे टाइम टाइमली बदल भी सकते हो कि फर्स्ट टाइम मे बी दिस पर्सन इज रिसेसिव, सेकेंड टाइम बीच वाला और थर्ड टाइम लास्ट वाला। मल्टीपल प्लानिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप थ्रीसम को करना चाहो। दूसरा, प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों पर्संस की अपनी मेडिकल हिस्ट्री हो सकती है, सेक्सुअल हिस्ट्री हो सकती है। बहुत बार थ्रीसम हम किसी थर्ड पर्सन को बुलाते हैं। कपल थ्रीसम तब करता है जब वो किसी और को इनवाइट करता है, बीइंग मार्केट से कोई लिया हुआ या मे बी फैमिली में से कोई दूसरा पर्सन, तो उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री आपको नहीं पता होती। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आप कर रहे हैं तो सेक्सुअल हिस्ट्री पर ज़रूर ध्यान दें, नहीं तो आप तीनों को प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इट्स बेटर टू यूज लॉट्स ऑफ प्रिकॉशंस अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। प्रेगनेंसी को तो अभी मैं साइड में रख रही हूँ, मैं यहाँ पे एसटीआई इन्फेक्शंस के बारे में बात कर रही हूँ। कंसेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कंसेंट की बातें नहीं करते, उनको लगता है पसंद तो आएगा ही, अच्छा तो लगता ही है। कंसेंट, प्रिकॉशंस एंड प्लानिंग, तीनों का समावेश होगा तभी आप ये तीन वाला सैंडविच सेक्स कर पाओगे। अगर इनमें से एक भी चीज़ वीक है तो आपको प्लेजर नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आप तीनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर वीक है, मन नहीं कर रहा, उसे समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे करना है, तो डेफिनेटली ये काम नहीं करेगा। तो पहले कम्युनिकेट करें, प्लान करें और तभी इस तरह के सेक्स में इन्वॉल्व हो। थ्रीसम करना ना करना आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये तीन चीज़ों को ऐड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पर नए हैं जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहें।